हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक हेयर स्पा शेयर करने वाली हूं। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट में ही आपके बाल अगर फिजी हैं, डैमेज हैं, ड्राई हैं, तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसा मैं क्लिप में शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ आपके सामने बिफ़ोर और आफ्टर का क्लिप शेयर कर रही हूँ और आगे मैं इसकी डिटेल बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ आज लॉरेल पेरिस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल स्टीम मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये इस तरीके की ब्यूटीफुल सी गोल्डन एंड ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर 2 स्टेप दिए गए हैं, आगे मैं शेयर करूंगी इसे कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप में आपको नरिशिंग मास्क मिल जाता है। इस मास्क को आपको अपने हेयर पर अप्लाई करना होता है और इस मास्क को आप अपने रूट से टिप तक अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको स्टीम कैप मिलती है। स्टीम कैप को आपको 5 मिनट तक अपने हेयर पर लगाना होता है, उसके बाद अपने बालों को रिंस कर लेना होता है। यहाँ मैं कुछ बैक साइड से भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देती हूँ, बैक साइड में किसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे मैं यूज़ करने का तरीका आपको बताऊँगी। एंड फ्रेंड, अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात कर लें तो हमें इसकी क्वांटिटी 20 ml मिल जाती है। 20 ml का हमें हेयर मास्क मिलता है और प्लस 40 ग्राम की हमें स्टीम कैप इसके अंदर मिलती है। और फ्रेंड, प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 399 rupees है, बट अलग अलग साइट में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। यहां पर एक साइड पर आपको हेयर मास्क के लिए क्रीम मिल जाती है और दूसरी साइड पर आपको स्टीम कैप मिल जाती है। तो नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड, अप्लाई करने का हम तरीका देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्रीम मैंने ले ली है। सबसे पहले मैं क्रीम को एक बाउल में खाली कर लूंगी। नेक्स्ट फ्रेंड, आपको हल्के गीले बालों में इस मास्क को यूज़ करना है ताकि इवनली आपके सारे बालों में अप्लाई हो सके। तो यहाँ मैं एक हेयर स्प्रे की हेल्प से अपने बालों को थोड़ा वेट कर लूँगी। तो फ्रेंड, इस बॉटल में मैंने पानी का यूज़ किया है, कोई और हेयर स्प्रे नहीं है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको लगाने का तरीका क्लिप में शेयर करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको अपने सारे बालों में इसे अप्लाई कर लेना है। फ्रेंड, ये हेयर मास्क इंस्टेंट आपके बालों को रिपेयर कर देता है। अगर आपको इंस्टेंटली अपने बालों में शाइन चाहिए और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फिजी और डैमेज हो रखे हैं, तो अगर आप इस मास्क को यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। बाल एकदम शाइनी लगने लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे मास्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और सेकंड स्टेप है, आपको ये स्टीम कैप अपने हेयर पे अप्लाई कर लेनी है। वैसे इसमें रिटर्न है कि आपको ये स्टीम कैप 5 मिनट तक अप्लाई करनी है, बट फॉर द बेस्ट रिजल्ट मैं इसे एटलीस्ट 10 मिनट तक अपने हेयर पर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है, जैसा कि मैं क्लिप में शेयर कर रही हूँ। आपको ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की सी मसाज करनी है ताकि हीटिंग आपके हेयर को अच्छी तरीके से मिल सके और ये मास्क जो है अपना अच्छा रिजल्ट दे सके। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कैप में भी काफी अच्छा खासा सीरम है। तो हियर इज द फाइनल रिजल्ट, काफी बाल मैनेजेबल हो गए हैं, बाल मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। इसको लगाने के बाद
बालों में अच्छा खासा बाउंस आ जाता है। मास्क अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड मास्क है। और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई लोगों को इंस्टेंटली कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दे सके, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय। Bye.